आपका तो नाम भी वॉरियर है, ये सब क्या हो रहा है? नहीं, मैं आपको बताऊं ना कि इस वक्त बलूचिस्तान में हर बलोच के पास तकरीबन असला रखता है, वो अपनी दिफा के लिए रखता है। ये नहीं है कि ये आज शुरू हुआ है या सुई का मसला है, वो पहले से ही है, हर किसी के पास है असले। और रॉकेट लॉन्चर ये तो आम हो गए हैं, हर किसी के पास। आप जाए सरहद में जाए, मेरे पास रॉकेट लॉन्चर नहीं नहीं है। आपके पास नहीं है ना, आपके पास और मेरे पास आपके पास तो है? नहीं, मेरे पास है, मैंने अपने दिफा के लिए रखे हुए हैं। मैंने मेरे दिफा के लिए मेरे पास नहीं है। नहीं, आपके पास नहीं आज है की ना। दुनिया में बहुत कम लोगों के पास रॉकेट लॉन्चर है। नहीं, आप पाकिस्तान में देखिए, हर किसी के पास है, किसके पास नहीं है? हर आप मुक्ति कबाल के पास है, मरी के पास नहीं, है, आप ही लोग ट्रेन कभी कबायल देखिए। के पास है ना, बाकी आम शहरी मुल्क में तो रॉकेट लॉन्चर लेके नहीं घूमते। नहीं, शहर में तो अभी आपने किसी मुक्ति को देखा कोटा में रॉकेट लॉन्चर कांधे पे उठा के घूम रहा है, या कोई लाहौर में घूम रहा है? ये कहाँ से आ रहा है सारा असला? ये जो आपकी मेहरबानी से जो आप लोगों ने दी है थ्रू पाकिस्तान के, जो अमेरिका ने दी थी अफगानिस्तान को, वही असला वही है चल रहा है अभी तक। मेरे ख्याल में तो, वही है, सुनने में तो ये कोई है। जंग नहीं लगा उसके इतने सालों में, बिल्कुल चमकता चमकता असला, कोई जंग नहीं लगा, कोई खराब नहीं हुआ। मेरे ख्याल में तो वही है, ऐसा तो वही है, नहीं लगा तो मेरे ख्याल में। मेरी बात हो रही थी लाइफ सोमरो साहब से, जी उनको मैंने इंटरव्यू किया था, वो कहते थे कि जो यूथ है नई, जी वो ज्यादा अग्रेसिव है, वो ज्यादा पुरतशद्दुद, तो उन्होंने गलत यूज नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो ज्यादा अग्रेसिव है। जी आप लोग ज्यादा अग्रेसिव हैं नहीं, अपने सीनियर से, जो आपके नवाब साहब हैं या गैर मजमरी साहब हैं, अमीर साहब, अगली नस्ल जो आई है कबीलों में, वो ज्यादा कुछ ओंकारी आप देखें, की तरफ मायल है? नहीं आप देखें ना, जब आवाम के तमाम जमहूरी इखलाकी सियासी रास्ते बंद किए जाएं और पार्लिमानी हुकूमतें नाकाम हो जाएं, तो आवाम मजबूर होते हैं और मजाहमती तहरीकें जन्म लेती हैं, जो इस वक्त बलोचिस्तान में इस वक्त भी जी नहीं, जबकि मेरे पैदाइश से भी पहले ये तनजीमें अपने वजूद रखती थी बलोचिस्तान में। तो जब तमाम रास्ते बंद हो जाएं, आवाम को कोई ऑप्शन हो, आप कोई ऑप्शन बताएं, आवाम क्या करें? पार्लियामेंट से आवाम थक चुके हैं, वहां से उनकी बात कोई नहीं सुनता। अगर यहाँ पर आज आप कह रहे हैं, यहाँ पर सूबाई हुकूमत ने तलब की फौज उसी वक्त मरकज में भेजा, कुछ अर्सा पहले छावनी की मुखालफत में भी एक बिल पास हुई, उस पर कोई अमल दरामद हुआ? एनएससी पर भी उन्होंने बात की, उसका क्या हुआ? सिंध जो बात कर रहा है कालाबाग डैम के बारे में, उस पर क्या हुआ? जब फौज के बारे में बात आती है, फौज कृषि की बात आती है, तो फौरन भेज देते हैं, उनकी बात करने से भी पहले तैयार फौज खड़ी है कि मांगे हैं भेज दें। आपको लगता है इस तरह का पॉलिसी बलोचों के साथ रवा रखा जाए तो लोग मजबूर होते हैं मुजाहमत करने पर, कोई बाहर से तो नहीं कर रहे? बात कहीं इंतहा की तरफ जा रही है? यानी कि ये कहा जाता है कि जी आजादी, जी बलोच लिबरेशन आर्मी, वो तो लिबरेशन गलत यूज कर रहे हैं। जी हाँ, आप ही समझते हैं कि अलहदा होना पाकिस्तान से हल है मुसायर का, या आप समझते हैं कि मुफाहमत रास्ता होना चाहिए? आप देखें ना, 50 सालों से आज तक मैं वही बात पहले वाला कर रहा हूँ कि तमाम रास्ते बंद किए गए हैं और अवाम इस हद तक आ गए हैं कि वो मुजाहमत करके अपना बात, अपने गम गुस्सा का इजहार करें। आज आप फलस्तीन में देखें, वहां पर लोग पत्थरें फेंकते हैं टैंकों पर, अपने गम गुस्से का इजहार करते हैं। यहाँ पर भी जो कुछ हुआ, लोग मुजाहमत तो करेंगे। हम बलोचों से कभी भी ये उम्मीद न रखा जाए कि अगर यहाँ पर कोई ऑपरेशन करे या यहाँ पर बलोच कबायल के घर मुसुमार करे और हम यहाँ बैठ के तालियां बजाएंगे, मुजाहमत करेंगे। लाजमी जो कुछ जो है उनके पास, जो कुछ भी है, मुजाहमत तो जरूर करेंगे। वो खुश तो नहीं होंगे या कोई तालियां बजाएंगे? और जो बलोच लिबरेशन आर्मी की बात कर रहे हैं कि आजादी आजादी, आप देखिए, आप खुद वो अमल कर रहे हैं, उसको उस स्टेज तक ला रहे हैं कि वो इस तरह के इकदाम करें जो आपने बांग्लादेश में की है। नहीं, वो कहते हैं कि अगर आप जेट किटों की बात पर अटैक करेंगे, जी अगर आप गैस की पाइपलाइन उड़ा देंगे, पूरे मुल्क में गैस बंद हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे अगर फौज? नहीं, वो आप गैस पाइपलाइन की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर फौज आई है, किस लिए आई है? गैस पाइपलाइन हो रहा है। क्यों क्यों फौज आई है? कि पंजाब में सिर्फ 4-5 दिन तक पंजाब में चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। यहाँ पर जो पिछले 50 सालों से चूल्हे ठंडे हैं, जहां पर चूल्हे हैं ही नहीं, ठंडे तो मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, है ही नहीं। यहाँ पर जो लोग इस इलाके में रहते हैं, उनकी सरजमीन से वो गैस निकलती है, वो 50-57 सालों से उससे महरूम है। तो उनकी आप कुछ बात नहीं करते हैं कि वो उनके भी मुतालबात हैं, उनके उनकी बात भी सुननी चाहिए। वो एक पैप जब अगर कोई उड़ा देता है तो उस पर फौजकुशी होती है, क्योंकि 2 दिन पंजाब में गैस नहीं है भाई, आसमान टूट पड़ा है।
खवातीन हजरात, यहाँ डेरा मुफ्ती में दरहमदार मुफ्ती साहब से बात चल रही है, जो कि नवाबजादा अकबर खान मुफ्ती साहब के कहा जा सकता है कि दस्तराज थे, उनकी जानशीन भी हो सकती हैं, मुफ्ती कबीले के नौजवान रहनुमा हैं। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को जारी रखते हैं। जो नौजवान है आपस में, मरी कबीला, बुक्ति कबीला और दूसरे कबीले, आपस में आप लोगों के ताल्लुक अच्छे हैं इस वक्त? तस्वीर हो गया है मुख्तलिफ हवालों से सुना। जी हाँ, बिल्कुल अच्छे हैं। और ये किस पॉइंट पे हुआ है? इसी मुजाहमती तहरीक के दौरान? नहीं नहीं, आप देखिए ना, हमारे तो खराब थे ही नहीं, कब से हमारे खराब थे, पहले तो थे, लेकिन जब मेहरबानियां हो रही हैं हम पर तो और ही नजदीक होना पड़ता है। तो ज्यादा एक्सट्रीम पे आप बात करते हैं या मरी वाले बात करते हैं? खासकर ये है कि आप भी हैं, लेकिन मरी कबीला जो है वो शायद ज्यादा आपसे ज्यादा मुतनफ़िर है, नहीं ज्यादा आप परेशान है इन मामला से। नहीं बिल्कुल, देखिए ना, अभी हर कोई अगर किसी और रास्ते से जाता है, कोई आपको जाना कराची से, कराची है, कोई जहाज से जाता है, कोई ट्रेन से जाता है, लेकिन मंजिल तो एक ही है ना। क्या मंजिल है? मंजिल तो एक ही है, अपने हकूक की बात कर रहे हैं, अपने अख्तियार की बात कर रहे हैं, अपने समझते हैं कि फेडरेशन में इख्तियार आपको मिलेंगे? मैं कुछ उम्मीद नहीं रखता हूँ कि मिलेंगे। जो कि हालिया वाकया हुआ है, एक लेडी डॉक्टर के साथ जो ज्यादती हुई है, उसका मुजरिम आज दनदनाता हुआ फिर रहा है। उन डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने इस केस को छुपाने की कोशिश की, लेकिन जो केस में मुलविस है वो फिर रहा है। तो ये हाल हो तो फिर आप क्या उम्मीद रखेंगे कि हमारे हकूक दिए जाएंगे? मैं तो बिल्कुल इससे पुरउम्मीद नहीं हूँ। किस जो तासर है कि बाहर की फोर्सेज भी इन्वॉल्व है, गैर मुल्क इमदाद भी आ रही है, असला आ रहा है, पैसा आ रहा है जी, और कोशिश हो रही है कि कोई सूरत हाल को मजीद हवा दी जाए, मतलब कैसा है? मैं मेरे दिन में इतना कुछ कोई बात नहीं है, मैं इल्जाम लग रहा है, इल्जाम तो लग रहा है, जाम साहब भी कह रहे हैं, हमारे गवर्नर साहब भी कहते हैं कि बाहर से पैसा आ रहा है, लोगों को 10-10 हज़ार तनखीह दिए जा रहे हैं और असला बाहर से आ रहा है। तो मैं सिर्फ तोहमतें हैं, बातें तो और कभी करता है, लेकिन आ रहा है क्यों आ रहा है? ठीक है, ये उठा रहे हैं और कोई क्यों नहीं कर रहा है? अगर आ रहा है तो किसी और के पास क्यों नहीं आ रहा है? आप लोगों ने खुद इस कौम को पीछे रखा हुआ है ताकि वो असला उठाए, लेकिन उनके हकूक थे। आप देखिए अपलोड नहीं कर रहे इस बात को कि आ रहा है, मतलब आप कह रहे हैं कि हो सकता है आ रहा हूँ, मुझे मेरे इल्म में नहीं है, मैं कह रहा हूँ मैं कुछ नहीं जानता हूँ इस बारे में। अगर कहीं से मदद होती है तो आपकी जी, इस हिसाब से कहता है कि जी आपके हकूक कुचले जा रहे हैं, हम आपकी मदद करते हैं जी बाहर से जी, क्या करेंगे आप? देखिए मैं तो इस वक्त एक फर्द हूँ, इस वक्त अभी ये तो पूरे बलोच कौम का मतलब, क्या करेंगे बलोच कौम, आप क्या समझते हैं, क्या करेंगे आप? मतलब किस तरह आपके अगर कोई मतलब आपसे मिसाल करते एक बाहर से कॉल आती है वॉशिंग